नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं एवन टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम लॉकडाउन के बीच शराब हुई अनलॉकडाउन। पूरे देश भर में शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी गई है और इसके चलते पूरे देश भर में कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है। जगह जगह पर इस बात को लेकर लोगों में विरोध भी है, आक्रोश भी है कि जो सरकार के द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया था उसके बाद देश भर में लॉकडाउन अच्छी तरह से लागू रहा, लेकिन अब जो शराब के ठेकों को अनुमति मिली है उसके बाद क्यों जिस तरह शराब लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी ठेकों पर, उससे वाकई में चिंता का विषय है और डर भी है। कहीं ना कहीं जो मेहनत की है सरकार ने, प्रशासन ने, लोगों ने अपने आप को बचाने की, कहीं ये जो तमाम मेहनत पर पानी नहीं फिर जाए। इन्हीं तमाम बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो में हमारे चैनल हेड अनिल लोढ़ा जी। लोढ़ा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, बहुत कड़ी मेहनत की है देशवासियों ने, प्रधानमंत्री से लेके तमाम मुख्यमंत्रियों ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने, नर्सेस, पुलिस ने, सब ने मिलकर जो है लोगों को कोरोना से बचाने की मेहनत की थी और अब जो शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी है, शराब के ठेके खुले और जिस तरह के वीडियो सामने आए हैं, जिस तरह से लंबी लंबी लाइनें देखी गई, कतारें देखी गई और उनमें सोशल डिस्टेंसिंग कहीं ना कहीं जो है छू मंतर दिखाई दी। हालांकि आज राजस्थान में काफ़ी जगह पर बहुत ज़्यादा पुलिस की सख्ती के बाद थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन फिर भी डर कहीं ना कहीं बना हुआ है। लोगों में अंदेशा इस बात का है कि आखिरकार क्या शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति देना जरूरी था, क्योंकि अभी आवश्यकता नहीं थी। जब इतने दिनों से ही लोगों ने इंतजार कर लिया, जब कोरोना मुक्त देश हो रहा था उसके बाद ही अनुमति मिलती तो हो सकता है शायद इससे कहीं ना कहीं जो खतरे की जो संभावनाएं जताई जा रही है वो नहीं होती। मजाक वाली बात तो ये है कि हमारे एक विधायक जो पूर्व मंत्री भरत सिंह जी और एक पूर्व संसदीय सचिव भवानी सिंह राजावत बीजेपी के, दोनों ने सुर से सुर मिलाते हुए कहा था कि जब अल्कोहल से कोरोना वायरस नष्ट होता है तो शराब खोलो कोरोना वायरस नष्ट होगा। अब ये तो मजाक की बात इसलिए थी कि कोरोना वायरस फेफड़े में अटैक करता है, शराब फेफड़ों में नहीं जाती, पेट में जाती है और पेट में कोरोना वायरस वैसे ही मर जाता है जाकर एसिड से जी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि लॉकडाउन के बीच छूट देते समय रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन में जो फर्क किया गया, अलग अलग तरह से छूट दी गई, शराब को लेकर वो फर्क नहीं किया गया। शराब जैसे ग्रीन जोन वालों को मिल रही है वैसे ही रेड जोन वालों को मिल रही है, वैसे ही ऑरेंज जोन वालों को मिल रही है। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या इतनी जरूरी है शराब कि जहां पर रोज लोग मर रहे हैं और रोज कोरोना के केसेस अभी भी आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, वहां भी हमने शराब खोल दी? तो आखिर ऐसी क्या वजह थी, देश भी जानना चाहता है। ग्रीन जोन में सब कुछ खोल देते, कोई ऐतराज ही नहीं था किसी को। ग्रीन जोन का मतलब पुरानी स्थिति लौट गई है, पुरानी स्थिति में सरकार को खजाना भरने की जरूरत तो नहीं दिखे लग रहा सरकार। नहीं, आधे लोगों में, आधे जिलों में तो खुली रहा था, 319 जिले तो ग्रीन जोन है भारत में जी, 700 में से तो आधे जिलों में तो खुली रहा था, लेकिन और ऑरेंज जोन में भी खोल देते, पर रेड जोन में खोला गया, इस पर बड़ा मैं हतप्रभ हूं। पूरे देश को चिंता भी है और आश्चर्य भी है कि जहां पर आप कर्फ्यू लगा के बैठे हो, जहां पर आपने क्वारंटाइन कर रखा है लोगों को, जहां पर आपने बिल्कुल एकांत कर दिया है लोगों का, वहां पर आप शराब की दुकान खोल रहे हो, गेहूं की, आटे दाल की, चावल की दुकान खोलते, दूध की डेयरी खोलते, समझ में आता है भाई वो चीज़ तो अनिवार्य है, जरूरी है जीवन जीने के लिए। शराब कितनी भी जरूरी हो, कितनी भी आदमी की आदत हो जाए, लेकिन जहाँ रेड जोन है, जहाँ लोग मर रहे हैं, जहाँ लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं आज भी, वहां पर आपने शराब की बिक्री की इजाजत दी, ठेके खोले, शराब की, विदेशी शराब की दुकानें खोली और आपने 40 दिन 42 दिन की मेहनत को खतरे में डाल दिया, दांव पर लगा दिया। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, क्योंकि कोई मतलब हर आदमी जानता है कि जो लोग शराब पीते के आदि हैं उनमें कितने ऐसे होंगे जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, कितने ऐसे होंगे भीड़ उमड़ेगी तो एक के ऊपर एक नहीं पड़ेंगे, और शराब भी 70% महंगी बिक रही है कहीं पर, कहीं पर ब्लैक में बिक रही है, फिर भी लोग खरीदने पर आमदा हैं। तो ये जो खास तौर पे मेरा इतराज रेड जोन इलाकों को लेके है कि वहाँ तो ये बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए था और इससे हमारी अब तक की मेहनत पर पानी फिर सकता है। कहा यह जा रहा है कि सरकार को बड़ा राजस्व मिलेगा और जिस तरह से 60 करोड़ की एक दिन में ही अगर शराब की बिक्री राजस्थान में हो जाती है, दिल्ली में 70% रेट बढ़ाने के बावजूद लंबी लंबी लाइनें लग रही है,
तो कहीं ना कहीं पूरे देश में इसको राजस्व प्राप्ति का बड़ा साधन माना जा रहा है। और कहीं ना कहीं मैं अनिल जी इससे पहले रुकना चाहूँगा, हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गई है शराबबंदी आंदोलन से जुड़ी हुई पूनम छाबड़ा जी, पूनम अंकुर छाबड़ा जी। पूनम जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रही है? जी जी। पूनम जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के इस कार्यक्रम में। पूनम जी, आपने भी पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, क्या चाहती है? जिस तरह से पूरे देश में शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है और जिसके बाद जो आप देख रहे हैं हालात किस तरह से बेकाबू हो गए, लोग सड़कों पर ऐसे लगे हुए हैं, इस तरह से शायद राशन लेने के लिए भी लोग नहीं उतरते सड़कों पर। जी, मैं यही कहना चाहूंगी इस बात पे कि सबसे पहले तो आज आपको पता है कि जो समय चल रहा है कोरोना महामारी के समय पे, लोगों ने राज्य सरकार का तथा भारत सरकार का हर निर्देश पालन किया है। आज 45 दिनों तक लोगों ने शराब को हाथ नहीं लगाया, लोगों ने ये बता दिया कि हम शराब के बिना रह सकते हैं। आज सबसे मेजर जो धज्जियां उड़ रही है शराब की दुकानों को खोलकर, सरकार ने ये बता दिया है कि वो लोग शराब की कमाई के बिना नहीं रह सकते हैं। 45 दिन तक लोगों ने शराब नहीं पी और लोगों के घर में खुशियों का माहौल था कि अगर उनके घर में कोई सदस्य शराब पी रहा है तो वो छोड़ने की कगार पर पहुंच गया है, लेकिन आज दुकानें खोलकर सरकार ने उनकी खुशियां छीन ली है। नीरज जी, WHO की रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस समय पर, कोरोना महामारी के समय पर कोई व्यक्ति शराब का सेवन करता है, नशे का सेवन करता है, तो उसकी मौत भी हो सकती है। इस रिपोर्ट को भी राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने पूरी तरीके से अनदेखा किया है और मुझे बहुत दुख हो रहा है उनके इस फैसले का कि इनके हर फैसले को पूरे देश की जनता ने दिल से स्वागत किया है, लेकिन दुकानों को खोलकर उन्होंने हर महिला और बच्चे की खुशी को छीन लिया है कि अगर उनके घर का व्यक्ति फिर से शराब पीने की ओर चला जाएगा तो उनके घर में जो सेविंग है, इस समय पर उन लोगों ने जो सेविंग करके रखी थी अपने भरण पोषण करने के लिए, वो उनकी सेविंग्स भी चली जाएंगी। और निर्धन परिवार जो है आज के समय पर जो किसी NGO पे डिपेंडेंट है तो वो वहां पर कोई ना कोई चोरी करेगा, कोई ना कोई अपराध को अंजाम देगा। तो ये बहुत ही दुखद बात है, मैं पर्सनली बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ इस चीज से और मैं कड़े शब्दों में राज्य सरकार का और भारत सरकार के इस फैसले का विरोध करती हूँ। पूनम जी, आपको लगता है घरेलू हिंसा भी बढ़ जाएगी, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ जाएंगे और दूसरे अन्य अपराध बढ़ने की संभावना भी ज्यादा हो गई है? जी बिल्कुल नीरज जी, इससे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि आप देखिए कि एक महिला आज हर सदस्य का ध्यान रख रही है अपने घर में, और शराबी अगर शराब पीकर घर में आता है तो वो घर में उसके साथ में मानसिक प्रताड़ना भी करेगा और घरेलू हिंसा को भी बढ़ावा देगा। एक महिला जो आज पूरे परिवार को बांध कर बैठी है, वो घर के कार्य भी कर रही है और कुछ महिलाएं घर से बाहर जाकर ड्यूटी भी कर रही है, तो आप सोचिए उनके पास तो कोई हेल्पिंग हैंड भी नहीं है, वो अकेले ही सारा कार्य कर रही है, तो कैसे नहीं उनके ऊपर मानसिक प्रताड़ना पड़ेगी, कैसे नहीं उनके साथ में घरेलू हिंसा का उनको शिकार होना पड़ेगा। ये बेहद दुखद बात है कि महिलाओं के साथ में इतना अच्छा अभी तक होता आया, 45 दिन तक वो इतनी खुश थी, इतना उनका खुशहाल परिवार हो चुका था कि वो भारत सरकार का और राज्य सरकार का धन्यवाद करते नहीं थक रही थी, लेकिन आज बेहद दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वही महिलाएं और बच्चे सरकार को और भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों को गालियां दे रहे हैं कि उन्होंने उनकी खुशियां छीन ली हैं। पूनम जी, आप क्या चाहती हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से क्या मांग करती है? क्या बंद हो जाएं ठेके वापस तुरंत, क्योंकि जिस तरह कोरोना का खतरा बढ़ गया है? मैं यही चाहूंगी कि ठेके बंद हो जाएं, क्योंकि आप ये देखिए कि आज कोरोना महामारी के समय सबसे बड़ा जो नियम लागू किया गया था, वो नियम लागू किया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। अगर आज एक व्यक्ति लाइन लगाकर एक ठेके के बाहर खड़ा है और उस लाइन में 1000 लोग खड़े हुए हैं, तो आप ये समझिए कि एक व्यक्ति अगर उसमें से कोरोना पॉजिटिव है तो वो 1000 व्यक्तियों को कोरोना से पॉजिटिव कर देगा, और वो 1000 व्यक्ति जब अपने घर में जाएंगे तो एक परिवार के अंदर 4 से 5 सदस्य होते हैं, यानी कि आप ये सोचिए कि 1000 व्यक्ति अगर अपने घर में जाते हैं तो 4 से 5 व्यक्ति घर के अंदर हैं, तो वो उनको भी इन्फेक्टेड करेगा, संक्रमित करेगा। ये तो पूरी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है मानवता के खिलाफ। अगर अगर मानवता को हमने इतने समय तक
बचाने का प्रयास किया है राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने, तो इस समय उनको बिल्कुल ही शराब के ठेके बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ये जो नियम बनाया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए, इसकी तो पालना बिल्कुल ही नहीं हो रही है। आप देखिए जगह जगह पे लोग कैसे उमड़ रहे हैं, बिना एक मीटर की दूरी के खड़े हैं, आसपास खड़े हुए हैं, कितनी बिल्कुल पूनम जी आपने सही कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़ी, आपका कहना है कि पूरे देश में शराब के ठेकों को बंद कर देना चाहिए। जो मेहनत भारत सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा या तमाम जो राज्य सरकारें उनके द्वारा और जनता के द्वारा सहयोग देकर की गई है, उस पर कहीं कहीं पानी फिरने की संभावना है, इससे संक्रमण बढ़ने की संभावना है। अनिल जी आपने देखा, ये आंदोलन से जुड़ी हुई शराबबंदी से लगातार लड़ रही हैं, इनका भी कहना था कि कहीं कहीं ये बहुत बड़ी भूल सरकार की हुई है और इसको वापस सुधार लेना चाहिए। जिन महिलाओं के दिल में इस बात को जगह मिली थी कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, पिछले 40-45 दिनों से लोगों ने शराब की आदत छोड़ सी दी थी, अब अचानक शराब मिलने से वो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा को भी जन्म देंगे, अपराध भी जन्म देंगे, तमाम तरह की बातें होंगी। आश्चर्य की बात यह है कि लॉकडाउन में छूट जो दी गई उसमें सिगरेट बेचने की मनाही है, गुटखा बेचने की मनाही है, तंबाकू बेचने की मनाही है और पान बेचने की मनाही है। पान, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, इनकी तो मनाही है, बीड़ी की मनाही है जी, और शराब खोल दी गई। ये राज क्या है? ये राजस्व है, खजाना भरना है। और मैं ये महसूस कर पा रहा हूं कि केंद्र सरकार पर राज्य सरकारों का दबाव था, बेताशा खर्चे और जीएसटी में उनका हिस्सा नहीं मिल रहा और कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, इस दबाव में आकर उसने राज्य सरकारों को छूट दे दी कि आप शराब की दुकानें खोल लो, राजस्व मिल जाएगा। तो जन स्वास्थ्य को खतरे में डालकर जन स्वास्थ्य को बचाने की कवायद को पैसा दिलाना कौन सा तर्क है, मेरी समझ से बाहर है। हम शराब की दुकानें खोलकर उन सारे नियमों को तोड़ने के लिए, एक तरह से तोड़ने पर आमदा लोगों के इशारे पर चल रहे हैं, जो कतई ये अनुशासन नहीं मानेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क लगाकर ही आए, इसको कतई नहीं मानेंगे। शराबी वाओ, नियम कायदे कहाँ उनके लिए मायने रखते हैं। हाँ, वो शराबी तो शराबी होता है, तो अब वो पान, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा बंद और शराब चालू, और शराब की दुकानों पर भीड़, लंबी लंबी लाइन, क्योंकि मामला राजस्व का है और राजस्व का है तो राजस्व भी किस बात के जुटा रहे हैं, हमें लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा बचाने के लिए, लोगों का जीवन बचाने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने सर, कहीं कहीं जो है सरकारों में इस बात का लालच भी है कि राजस्व मिलेगा, और आपने सही बात कही कि जिन लोगों का स्वास्थ्य बचाने की मुहिम सरकार ने छेड़ रखी है, उन्हीं लोगों का स्वास्थ्य बिगाड़ने की अनुमति भी कहीं के सरकार ने थोड़े सा खजाना भरने के लालच में, थोड़ा सा राजस्व जुटाने के चक्कर में दे दिया है, और जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही है। इस पर सरकार को कम से कम जो है फिर से विचार करना चाहिए। अनिल जी आपने बताया कि इससे वाकई में जो शराबी है उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो सामाजिक जो डिस्टेंसिंग है उसका पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। उनको शराब खरीदनी, और आपने हमने तमाम तरह के जो विजुअल आए उनमें देखा भी है किस तरह से भीड़ टूट रही है, पुलिस डंडे मार रही है, उसके बावजूद लोग पहुँच रहे हैं। कहा है जा रहा कि जो लोग कल तक राशन के लिए लाइन में थे आज वही लोग जो है शराब के लिए लाइन में है। आखिरकार पैसा कहाँ से आया, सबसे बड़ा सवाल है। सब सब आ जाता है जी, पैसा लोगों का बचा हुआ पड़ा है, तनख्वाह भी मिल रही है लोगों को जी जी, और कई जरूरी नहीं है कि सारे गरीब लोग ही शराब खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो नहीं है, पैसा मध्यम वर्गीय लोग भी हैं सब है। सवाल इस बात का है कि वो शराब पीने से पहले तो ये कर ही रहे हैं, पीने के बाद क्या करेंगे जी, इस पर किसी ने विचार किया? जो शराब पी करके लोग, अभी कल मैं बिहार का पटना का एक दृश्य देख रहा था कि बिल्कुल मदहोश व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, अपना नाम भी नहीं बोला जा रहा उससे जी, तो शराब पीकर वो क्या करेंगे घर में और घर के बाहर दोनों जगह जी जी, और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, घर की पारिवारिक शांति फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। खोलो तो मकान की रजिस्ट्री खोल दो, जमीन की रजिस्ट्री खोल दो, इससे आमदनी हो जाएगी, कुछ और कारोबार खोल दो जिससे आमदनी हो सकती है, और शराब को भी आप ग्रीन जोन में खोलो, किसको एतराज है? जहाँ पे सुरक्षित है सब कुछ वहाँ कोई एतराज नहीं, लेकिन जो रेड जोन है जहां पर आप आदमी को रोटी के लिए नहीं निकलने दे रहे, वहां शराब के लिए निकलने दे रहे हो, वो भी भीड़ की भीड़, ये राज क्या है? हर आदमी जानना चाहता है। आपने कोई फर्क ही नहीं किया ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और रेड जोन में शराब को लेकर के।
कम से कम हर व्यक्ति उम्मीद कर रहा था, और देश अनुशासन में था पूरा। रेड जोन में लोग हैं वो जानते हैं इस बात को कि हमारा जीवन खतरे में है, वो कोई एतराज़ नहीं करते, कोई बाहर बाहर नहीं निकलते, भागते नहीं, निकलते नहीं, कुछ नहीं करते, सब मान लेते, इस बात को स्वीकार कर लेते। जिस तरह देश के अनुशासन का पालन प्रधानमंत्री कहने पर और हमारे मुख्यमंत्री कहने पर लोगों ने किया है, लोग अभी भी घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जो ग्रीन जोन है उसमें भी कम निकल रहे हैं, रेड जोन में तो निकल ही नहीं रहे, तो लोग अभी भी लॉकडाउन जैसी स्थिति में मान के और कोई बहुत जरूरी काम हो तो ही बाहर निकल रहे हैं। सर ऐसा नहीं पर धारा 144 की पालना की बात की जा रही है, वहां तो एक साथ 100-200 लोग खड़े हैं, फिर धारा 144 कहां गई? हाँ वो बस सोशल डिस्टेंसिंग है इसलिए उसको एक साथ खड़ा हुआ नहीं मान रहे, नहीं मान रहे नहीं, ये तो बिल्कुल आई वॉश है, आंखों के ऊपर चश्मा चढ़ा के देख रहे हैं। हम अपनी रेवेन्यू के लिए चूंकि परेशान है, केंद्र सरकार पैसा दे नहीं रहा, देना चाहता नहीं है, इसलिए उसने वो इजाजत दे दी जिस इजाजत से राज्य सरकारें चुप हो जाएं, उनको पैसा मिल जाए और उससे काम पे लग जाएं अपने। तो मैं तो इस छूट को और खासतौर पर रेड जोन में दी गई छूट को बिल्कुल भी अनुचित मानता हूं, और जो मेहनत हमने की 40-42 दिनों के लॉकडाउन में, उस मेहनत पर वो पानी फेर दे तो कोई आश्चर्य करने की बात नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं कहीं जो मेहनत की है उस पर पानी फिरने की संभावनाएं ज्यादा है, और कहेंगे रेड जोन में जो अनुमति दी गई है वो बहुत ही घातक है। हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं डॉक्टर परमानंद पाटीदार जी, हैं आबकारी सेवा संघ के अध्यक्ष हैं और कोटा के जो सहायक जिला आबकारी अधिकारी हैं। पाटीदार जी क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है एवन टीवी के इस कार्यक्रम में। पाटीदार जी, जिस तरह से शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति दे दी गई है, क्योंकि 40-42 दिन के बाद में ठेकों को खोलने की अनुमति मिली है, तो कितनी बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराना और तमाम बातें, और जिस तरह की ब्लैकमेलिंग चल रही थी और अब लग रहा है ये जो शराब की ठेकों पर लोग बड़ी मात्रा में खरीद के ले जा रहे हैं, इससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, क्या लगता है आपको, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह की पालना हो रही है? नहीं, सरकार ने इसके लिए कई सारी गाइडलाइन जारी की है जी, उन गाइडलाइंस के आधार पर ही शराब के ठेके खोलने की अनुमति दी गई थी जी जी, जिसमें उनको जो है 5 व्यक्ति से ज्यादा दुकान पे इकट्ठे नहीं होंगे, बाहर 6-6 फीट की दूरी पे गोले बनाए जाएंगे और बैरिकेडिंग लगाई जाएगी जी, और हर दुकान के पर हमारा एक जो सिपाही है वो खड़ा होगा जी, और इसके साथ ही जो सेल्समैन है मुंह पर मास्क लगाएगा, हाथों में दस्ताने पहनेगा जी, और सैनिटाइजर से खुद को सैनिटाइज करेगा, जो भी ग्राहक आएगा उसको भी सैनिटाइज करेगा जी। इसके साथ ही वहाँ पे एक रजिस्टर रहेगा जिसके अंदर उसका नाम और मोबाइल नंबर नोट किया जाएगा, ताकि कभी आगे ऐसी कोई समस्या आए तो उससे संपर्क किया जा सके। तो कहीं ना कहीं पाटीदार जी आप लोगों की परेशानी बढ़ गई है, इसके साथ साथ ही आपको लगता है कितना राजस्व मिल जाएगा सरकार को इन शराब के ठेकों को खोलने की अनुमति देने से? राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस साल जो रेवेन्यू का टारगेट है वो 12,500 करोड़ का है जी, और अन्य जैसे वेट और सब मिला के करीब 15,000 करोड़ का राजस्व राज्य सरकार को मिलता है पूरे साल भर में जी जी, और प्रति माह मतलब 1100-1200 करोड़ का राजस्व उनको प्राप्त होता है जी। आपको लगता है पाटीदार जी जो अनुमति दी गई है रेड जोन में दी गई है, वहां ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, ठेकेदार के आदमी भी डर रहे होंगे, आपके विभाग के लोग भी, क्योंकि अब तक तो वो कोरोना वॉरियर्स में शामिल नहीं थे, लेकिन अब लोगों को रोकने के लिए वहां पर समझाइश के लिए जाना पड़ रहा है, तो वहां भी कहीं कहीं लोगों में टेंशन तो बढ़ गई होगी? कल कुछ जगह पे समस्या आई थी तो वहां हमने प्रशासन ने दुकानें बंद करवा दी थी, आज पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए जी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई थी, और आज कहीं भी इस तरह की कोई समस्या नहीं आई और मीडिया में भी किसी तरह की इस तरह की खबर नहीं आई। कल जरूर कई जगह से इस तरह की समस्या आई थी, इस कारण से दुकानें बंद करा दी और सोशल मीडिया पे ये चला कि दुकानें बंद करने के सरकार ने आदेश कर दिया। इस गफलत की वजह से कई लोग भाग भाग के दुकानों पे जा रहे थे और वो शराब लेने का प्रयास कर रहे थे, जिस कारण से ये सोशल डिस्टेंस जो है सिस्टम वो कल टूट गया था कुछ जगह पे। पाटीदार जी मैं जानना चाहूंगा रिकॉर्ड बिक्री हो रही होगी इन दिनों में तो? हाँ, पिछले कुछ दिनों से ब्रॉड आज और कल में काफी बहुत ज्यादा मात्रा में शराब बिकी है, अब जाके ग्राहक बहुत कम हो गए दुकानों पे, कुछ 5-7 ग्राहक से ज्यादा आज नहीं है। चलिए पाटीदार जी आप हमसे जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ परमानंद पाटीदार जी, बता रहे थे कि किस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि आज का उन्होंने कहा कि काफ़ी जो है सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करवाई गई है, तमाम जो नियम कायदे सरकार ने तय किए हैं उनकी पालना कराई जा रही है, प्रत्येक ठेके पर एक सिपाही भी खड़ा कर दिया गया है। अब अनिल जी आप सोचिए कि शराब खरीदने से रोकने के लिए पुलिस खड़ी रहती थी, अब शराब बिकवाने के लिए पुलिस ठेकों पर खड़ी है। देखिए अब ये तो समय की मांग है, समय की जरूरत भी है, और अगर बिकवाना अगर हमारा कंपल्शन है कि साहब शराब बिकेगी तभी सरकार के पास राजस्व आएगा, तो उसको रेगुलेट तो करना ही पड़ेगा। पर जितने उन्होंने नियम कायदे बताए कि साहब ये निर्देश दिए गए जी, कितनी जगह उन निर्देशों की पालना हो रही होगी आप और हम अंदाज लगा सकते हैं जी। शराब के ठेकेदार कितने मजबूत हैं, शराब लॉबी कितनी मजबूत है पूरे देश में और प्रदेश में जी जी, किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कौन कौन कहाँ कहाँ इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा पाएगा, दस्ताने होंगे नहीं होंगे, मास्क होंगे नहीं होंगे, कोई हर जगह तो वीडियोग्राफी हो नहीं रही है जी। और शराब लॉबी कितनी ताकतवर है जी, सब जानते हैं, सब जानते हैं। और आप एक फोटो खींच के देखिए, बिना दस्ताने वाले बिना मास्क वाले शराब की बेचने वाले व्यक्ति की वहीं पे आपकी शामत आ जाएगी, आप मीडिया में अपने दफ्तर नहीं पहुंच सकते फोटो खींचने के बाद। ये तो सब जानते हैं कि ये कैसा ग्रुप है, कैसे लोग हैं, और कौन इनकी शिकायत कर सकता है, कौन इनकी खबर छाप सकता है, कौन इनकी खबर दिखा सकता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है नहीं हो रही है, मास्क पहन रहे नहीं पहन रहे, इसको रेगुलेट करना, वॉच करना बहुत मुश्किल है। और अगर ये नहीं होगा तो ये मान के चलिए कोरोना वायरस को फैलाने का एक बहुत बड़ा निमित्त बनेगी शराब की बिक्री खोलना। लोगों को डर है क्योंकि महिलाएं जो खास तौर पर घरेलू महिलाएं खास तौर पर गरीब तबके की, क्योंकि अब तक तो जब शराब के ठेके खुले हुए नहीं थे तो लोग बच रहे थे, क्योंकि वहाँ पर आपने हमने तमाम बहुत सालों का आपको अनुभव है, आपने देखा होगा कि लोग जो शराब के तलबदार होते हैं वो घरेलू अपने जो है कई बार तो गहने तक बेच देते हैं शराब की तलब के लिए। वो तो 8 बजते घंटी बजने लगती है उनके दिमाग में जी, बिल्कुल। लोग मेरे को कई शराबी दोस्त हैं मेरे बता दें सर 8 बजे घंटी बजने लग जाती दिमाग में, कुछ नहीं सूझता, कुछ नहीं दिखता, तो 40 दिन से पता नहीं कैसे जी रहे होंगे जी जी। पर अगर 40 दिन में जैसा वो पूजा छाबड़ा जी बताएंगे 40 दिन में जैसे उनकी अगर आदत पड़ गई, तो अगर एकदम नहीं खोली जाती इस तरह थोड़ा कुछ संकोच से आदमी खोलता, संकोच से सब चीज़ें होती धीरे धीरे, पार्ट में होती, ग्रीन जोन में पहले होती फिर ऑरेंज जोन में होती, तो शायद वो आवेग के साथ लोग बाहर नहीं उमड़ते, बाहर नहीं निकलते, कुछ लोग छोड़ भी देते। खैर अब डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो गया सो हो गया, इसको अब रोका नहीं जा सकता, शायद रिवर्स भी नहीं किया सकता। फिर भी हम, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ रहे समाज के भारत के जागरूक नागरिक के तौर पर ये महसूस करता हूँ कि रेड जोन में शराब की दुकानों की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। रेड जोन में आटा दाल गेहूँ दूध बिकें वहीं तक ठीक है, रेड जोन में खतरनाक स्थिति है, लोग मर रहे हैं, नए संक्रमित रोज निकल के आ रहे हैं, हमें उनकी चिंता करनी है या शराब खरीदने वालों को लाइन में लगाने की चिंता करनी है? हमारी पास भी नफरी बहुत लिमिटेड है जी, और हम किस बात की चिंता करें ये पहले ज़रूरी है। इसलिए रेड जोन के लोगों के जीवन को स्वास्थ्य को दांव पर लगाना मैं उचित नहीं मानता। आपने देखा होगा इतने दिनों में राशन की दुकानें पर लोगों की इतनी भीड़ नहीं लगी, लाइनें नहीं लगी, पुलिस को कहीं मशक्कत बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, लेकिन शराब खरीदने वालों को कंट्रोल करने के लिए जरूर जगह जगह पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी, कई जगह लाठियां भाजना पड़ी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को उसमें नीरज जी क्या है कि हमारे समाज सेवी संगठनों ने भामाशाहों ने जगह जगह आटा दाल गेहूँ बांटे, बिल्कुल शराब नहीं बांटी लेकिन जी, तो वो क्या है कि जो चीज़ घर बैठे मिल गई उसके लिए तो डिमांड भी कम हो गई और अग्रेशन भी कम हो गया, आक्रामकता कम हो गई उसे हासिल करने की, और सरकार भी पहुंचा रही थी और दानदाता भी पहुंचा रहे थे, फ्री में गेहूं मिल रहा 10 किलो सरकार की तरफ से, रोटी मिल रही है, खाना मिल रहा है, खाना पहुंचा रहे, जैन समाज पहुंचा रहा, महेश्वरी समाज पहुंचा रहा, ये संगठन वो संगठन सब कर रहे इस काम को जी, बिल्कुल। तो रोटी मिल रही, दाल मिल रही, सब मिल रहा, लेकिन जो चीज़ नहीं मिल रही उसको लेकर तलबगार थे वो, अब उसकी जैसे छूट मिली वो उमड़ पड़े और बंधन तोड़ के, जैसे रस्सी तोड़ के भागते ऐसे भागे। तो अब आने वाले 2-4 दिन में मैं समझता हूँ स्थिति सुधरेगी, जो लोग ले आ चुके वो घर बैठ के सेवन करेंगे और बाहर शायद नहीं निकल के आएंगे, बाहर निकलेंगे तो भुगतेंगे, पुलिस को भुगतेंगे, लेकिन फिलहाल सरकार एक बार फिर सोचे। हम तो ये कहना चाहते हैं आप ऑरेंज जोन में कीजिए, ग्रीन जोन में कीजिए, रेड जोन को माफ़ कीजिए, रेड जोन को बचाइए, वरना वहाँ स्थिति और ख़तरनाक हो जाएगी, संभाल नहीं संभलेगी।
बिल्कुल सही कहा आपने सर, कहीं ना कहीं जो है रेड जोन को बचाना होगा, और जो जहां जहां भी रेड जोन घोषित कर रखे हैं सरकार को इस विषय पर पुनर्विचार करना चाहिए और जो ठेके खोलने की अनुमति दी गई है उसको निरस्त कर देना चाहिए, क्योंकि रेड जोन सबसे खतरनाक जोन है। वहां पर आप किराना स्टोर खोलिए, डेयरी खोलिए, सब्जी की दुकान खोलिए, लेकिन कम से कम शराब की दुकान तो मत खोलिए, क्योंकि वहाँ से कोरोना और ज़्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ सकता है। तो तमाम तरह के लोग हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी यही बात कही कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी होगी, इन नियमों कायदों की पालना करनी पड़ेगी। और हमारे चैनल हेड ने भी साफ तौर पर कहा कि सरकार को राजस्व भले ही मिल रहा हो लेकिन रेड जोन में खुलने की, शराब के ठेके खुलने की जो अनुमति दी है इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और लोगों को राहत देते हुए रेड जोन के ठेकों को बंद करने की तरफ सोचा जाना चाहिए। मुद्दाग्रह में आज के लिए इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।